नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरदोई जिले के कस्बा संडीला में एक युवक की महज सट्टे के 200 रुपए के बंटवारे को लेकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में मृतक के भाई की तहरीर पर 3 लोगों के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से सनसनी फैली है, वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि संडीला कस्बे के हरदोई रोड पर राम तारा शमशान के सामने मैदान में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला, तो आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिली तो मौके पर भीड़ लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कोतवाल जगदीश यादव ने शव को कताई मिल चौकी भेजा। वहां तलाशी के दौरान मृतक के जेब से आधार कार्ड मिला, जिससे उसकी पहचान रेहान पुत्र सज्जाद निवासी किसान टोला के रूप में की गई। आधार कार्ड के आधार पर मामले की सूचना पुलिस ने परिजनों को दी। पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने कस्बा निवासी अकबर उर्फ शत्रु नदीम व घनश्याम के विरुद्ध तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों का कहना है कि रेहान कल शाम 6 बजे से अकबर के साथ घर से निकला था, लेकिन लौट कर नहीं आया। मृतक के सर पर वार करके हत्या की आशंका परिजनों ने जताई है। मामले में सीओ संडीला नागेश मिश्रा ने बताया कि सट्टे के 200 रुपए के बंटवारे को लेकर यह हत्या की गई है। तहरीर पर FIR दर्ज करके आरोपियों की तलाश की जा रही है। सुबह हमारे पास सतीश तिवारी जी पंडित जी वो आए, उन्होंने बताया कि ऐसे लाश पड़ी हुई है, तो हम गए वहाँ करीब 5:30-6 बजे। फिर हमने देखा वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और उससे फिर हमने फ़ोन करा, 100 नंबर लगा नहीं। उसके बाद कोतवाली में फ़ोन करा और चौकी इंचार्ज को इन्फॉर्म करा, स्थानीय मीडिया को बताया, तो वो लोग आए फिर पुलिस वगैरह और लाश को लेकर के डेड बॉडी को लेकर के चौकी चले गए। आज सवेरे ये जो तारा बाग है शमशान के सामने मैदान में, रेहान सराफ सज्जाद जो किसान टोला फंडीला के रहने वाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली। इनके शरीर पे चोट के निशान हैं, हत्या की घटना है। परिवार के लोगों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 3 लोगों को नामजद किया गया है, FIR दर्ज हो रही है, कानूनी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन शुरू है। सर क्या आरोप परिवार जो लगाया, किस वजह से हत्या हुई है? परिवार के लोगों का आरोप है कि सट्टे में 200 रुपए के लेन देन के मामले में कोई घनश्याम नाम का आदमी है, उससे कुछ कहा सुनी हुई थी, और इसी कहा सुनी के बाद नदीम ने 1 हफ्ते पहले मृतक रेहान को जान से मारने की धमकी दी थी, और यही कारण है जिसके कारण ये घटना घटी। कौन कौन लोग नामजद हैं इस घटना में? 3 लोग नामजद हैं, एक अकबर उर्फ शत्रु, दूसरा नदीम, ये दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, और तीसरा घनश्याम। ये सब तीनों फंडीला क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये FIR में नामजद हैं, और इसको बहुत गंभीरता से इसकी विवेचना कराई जाएगी, और कानून के तहत इसके हत्यारों को बहुत सख्त सजा दिलाई जाएगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं, ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।